गाइस तो मैं बना रही थी वीडियो, तो आया है मेरा पार्सल और ऐसे ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ और फिर इसको डेकोरेट करती हूँ और आप लोगों को बताना कैसा लगा। तो भैया देने आए थे मेरे पार्सल और मैं बना रही थी वीडियो। मैंने किया इसको ओपन और इसमें ये निकला है और इसको मैं कहाँ लगाती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये रोल काफ़ी अच्छा है और मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी। ये ना बहुत पुराना पुराना सा लग रहा था और उस मेज पे अगर बचेगा तो। और मैंने सारा सामान उठा कर यहाँ रखा है। मैंने ना अपने लिए और आशीष के लिए खाना बनाया था और आशीष ने अकेले ही खा दिया, मम्मी का हिस्सा भी खा दिया। हाँ इतना अच्छा लगता तेरे को पराठा, आइसक्रीम खा रहा है इतनी देर से, इसको अपना कुछ ना कुछ खा रहा है, नाक लाल पड़ी है इस लड़के की। तो सबसे पहले मैंने इसकी कर ली है कटिंग नाप कर और अब मैं बिछाने जा रही हूँ वहाँ पर। आशीष थोड़ी हेल्प कराएगा बेटे। ये लगा दिया मैंने, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। मैंने सोचा था बचेगा तो मैं उस पर लगा दूंगी, वो फट रहा है। और इतना ही था, ये जितना ये दिख रहा है ना इतना ही था। अकेली थी तो इतना अच्छा सा ये चिपका नहीं है और सही है। वैसे तो प्यारा सा लग रहा है, सुंदर पुराना पुराना से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इतना सा ये रोल बचा हुआ है तो मैंने की यहाँ पर सफाई और इसको चिपका के देखती हूँ। सही लगेगा तो छोड़ दूंगी, बेकार लगेगा तो फिर मैं इसको मिटा दूंगी, हटा दूंगी। इनको पहले देखना है। तो जितना बचा था मैंने वो यहाँ चिपका दिया, इतना ही था बस। तो मेरा मग्गू ना बड़ा परेशान है, वो बैलून ना वहाँ चला गया, उसमें धागा भी नहीं है, उसको नीचे कैसे लाऊंगी तो मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। और ना मेरी तबीयत खराब थी तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहा था, बीमार हो रही थी मैं बहुत ज्यादा। आज थोड़ा सा ठीक लगा तो फिर मैंने शूट करना चालू किया। वो सफाई करते टाइम मुझे मिली थी मेरी एंगेजमेंट रिंग और मैं आपको दिखाती हूँ, और वो ये है एप्पल की रिंग। और हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी तो मेरे हस्बैंड ने नॉर्मली ऐसे ही 10-20 रुपये वाली खरीद कर मुझे पहनाई थी जब हमारी नई नई शादी हुई थी। और फिर उसके बाद हमारी कंडीशन सही हुई तो मेरे हस्बैंड ने चांदी के लेके आए थे और जब मेरी बेटी हुई तो उन्होंने मुझे ये गोल्ड की रिंग दिलाई थी। मतलब यह है कि लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए, कब जीवन बदलेगा कुछ पता नहीं है। तो काफ़ी हद तक तो बदल चुका है, पर ये पहनाते हुए कह रहे थे मुझे कि मैं तुझे डायमंड की रिंग पहनाऊँगा। मैं होता है मजाक कि भाई सोना भी नहीं चांदी भी नहीं, सीधा बोल दिया डायमंड, डायमंड महंगा आता है ना। तो फिर मैंने सोचा क्या बोल रहे हैं, बट यहाँ तक पहुँचे, सोचा आगे भी ना कभी तो मिल ही जाएगी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं, मुझे लाइफ पार्टनर अच्छा चाहिए था जो कि सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट करे, ना कि मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए या फिर अच्छी अच्छी साड़ियाँ या गहने चाहिए, ना कुछ नहीं। बस मुझे पति ऐसा चाहिए था जो मेरी रिस्पेक्ट करे और मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ, ऐसा होना चाहिए था। अब पहले तो बिल्कुल भी नहीं करते थे मेरे हस्बैंड, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए बात से मैं अब खुश हूँ, पहले से ज़्यादा अब खुश हूँ। क्या मेरे पापा वो जो मुर्गा ले करते हैं, फिर उसका क्या करते हो तुम? वो भयंकर की वो जो ले करते हैं है? हाँ, और तू तो फिर भी मोटी नहीं हो रही है। तो इसका ना बटन मत लगा, मैंने इसको एक गलती से पहना दिया, ये तेरे से बटन ही लगवाती रहेगी, खोल खोल के आएगी और बटन लगवाएगी। और करुणा अंदर चलो, कितने मच्छर काट रहे हैं, चलो चलो अंदर। क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है? अच्छा बना रही, सुंदर सुंदर बना रही है। मानते हैं तो क्या मेरे बाबा ने हम मानते हैं। तू खाती है, तू खाती है ना? अरे तू तो बहुत अच्छी बाबू है, तू अच्छी लड़की है। मैं पापा नहीं, मैं मामा भी खाते हैं। तू नहीं खाती, देखा कितनी अच्छी लड़की पैदा हो रही है, एक घर में आने को खाने को लोग मिल जाते हैं देखने को। फिर भाग के आएगी थोड़ी देर में, क्योंकि उस लड़की के पापा बाहर खड़े हुए ना। हाँ बटन बस गलती से पहना दिया बेटे मैंने तेरे को, तेरे तो बटन नहीं खुलता रहेगा। अब क्या करना है काकी का, क्या करेगी इसका? बटन लगाना है इसका। अच्छा ये बटन खोल खोल के आती रहेगी और तसे लगवाती रहेगी, अब तेरी मर्जी इसका बटन लगाना है नहीं लगाना। मैं आई थी अमरूद ढूंढने के लिए, मैं देख रही थी कि कहाँ तोड़ रहे थे वो बच्चे उस दिन अमरूद, एक भी अमरूद नहीं लग रहा, कच्चा अमरूद लग रहा सुरख, उसी पीछे झगड़ा हो रहा था मेरा उस दिन। आम जी है, आम का पेड़ तो है बेटे, आम नहीं है ये लग रहा पेड़, आम नहीं है बेटे इस टाइम, आम नहीं लगते। हाँ आम लग रहा है वहाँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा आम, नहीं चींटे लगे पड़े हैं इतना भयंकर तरीके से, नहीं है यहाँ पर, मुझे दिखा रही कि वहाँ लग रहा है, कच्चा है वो। वहाँ गई है खेलने के लिए और कूद रही है उन घाट पे चढ़कर, है मारेगी मम्मी दिव्या, मम्मी मारेगी, वाह जी वाह डांसिंग, ओए गिर मत जाइयो, क्या नाच रही वहाँ खड़े खड़े। हो गया मेरा झाड़ू पोछा और मेरी बेटी खेल रही है पड़ोसियों के यहाँ और पड़ोसियों की बेटी खेल रही है इधर आशीष के साथ।
देखो क्या नाश मारते हैं घर का, कुदम कदम कुदम। इतनी मेहनत से मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, पेपर पापर लगा रही हूँ, अपना घर सजा रही हूँ, और इनको देखो ये करते हैं बच्चे का। अब मैं एक टाइम डाल दूँ, थोड़ी देर में जाऊँगी यही काम करेंगे। और मैं अपनी करुणा को देख के आऊँ क्या कर रही हो बाहर। ए मेरी लाडो कहाँ है? अंदर भाग गई, कुत्ता था यहाँ पे, वो अंदर अंदर लेके चली गई उसको। बस कपड़े उठाऊँ जरा यहाँ से, मेरे कपड़े सूख रहे हैं सारे। करुणा अपने घर में मन नहीं लगता बेटे, यहाँ क्या कर रही हो? मैं मेरे को देखिए कितनी जल्दी इस पर चढ़ गए। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है? चलो घर, चले घर, चलो। दादू बड़े याद आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए इसको। दादू दादू, एक बार टाइम देखूंगी और फिर टाइम से कपड़े उठाऊंगी। ऐसे तो अभी धूप आया चारों तरफ और ये धूप गई तब उठाऊंगी। मात्र मैंने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। अब ना मुझे भूख भी लग रही है। और ये देखो 5:15 हो गई है। इतनी मेहनत करी है अंदर खेल खेल के, कहती है पानी दे दो, पानी प्यास लग रही है। उसको दिखाने के लिए वो तो ले गया बोतल उठा के, हैं, और वो बोतल का ढक्कन सीधे तोड़ा था। दोस्त है ना, दोनों मुंह लगा के एक ही में पी लो, थप्पड़ सा पड़ेगा ना, मत पीना, इसको झूठा सा जुकाम हो रहा है। ये खातिरदारी कराते हैं बच्चे घर में रह के। बिस्तर पे कूद रहे हो तुम, है सफाई कराऊंगी दोनों से। अभी टॉफी खा रहे? टॉफी मुंह कितना गंदा हो रहा है। पॉप नहीं बोलते, टॉ बोलते, टॉ। उसके सर में लग गई और घर चली गई वो, सहराती सहराती बेड से ही गिर गई घर के अंदर। बेटे अभी लाइट जा रही है, अभी ढूंढ के दूंगी, अंधेरा हो रहा है। सूरज ये अपना एरोप्लेन तो उड़ा रही है ऊपर, और ये छूट गया ना इसके हाथ से तो चला ही जाएगा। हाय मच्छर कितने लग रहे हैं। पतंग नहीं है ये, करुणा बहुत तेज है करुणा, इसने पकड़ लिया था, गुस्सा करिए चला जाएगा बेटे, पकड़ भी नहीं पाऊंगी मैं। उड़ाने के लिए लेके आ गई यार, लाइट ही नहीं आ रही है ये। मंगू तेरा प्लेन नहीं उड़ रहा क्या? इतने उड़ेगा ये बहुत बेकार खेलती है कसम से, इन्हें सारा ताड़ बाड़ सब तोड़ दिया इसने। ऐसे झूलेगी झूलेगी तार पकड़ पकड़ के, मजा क्या आता है तेरे को? हाँ नुकसान करने में गिर जाएगी ना यहाँ से, तब तेरे को पता चलेगी, फिर तू क्या कहेगी आशीष ने गिरा दिया क्योंकि आशीष ने पहिया घुमाया। अभी घर में से भी गिर के आ रही है ये, देख देख देख, दिखा रही चप, ज्यादा डांटने वाली बन रही तू, तो डांटती हो बहुत बेकार। हाँ उड़ रहा ये, अपना बैलून ढूंढ रही है। कहाँ है तेरा बैलून? ये ला रही होगी बाहर की तरफ, अटका और ऊपर चला गया। हाँ अब नहीं आता बेटे, आशीष आ जा बेटे, अब अंदर आ जा, अब आ जा अंदर। लाइट व्यूट भी आ गई है, अंदर टीवी टावी देख ले, देखेगा तू। हाँ रख दे, अंदर नहीं आ रहा अब, तू अंदर आ जा, बाहर खेलना है, रात हो रही है, बाहर खेलना है कह रही है। चल वो दूध रखा, दूध पी ले चल। मात्र मेरे यहाँ पड़े थे सिर्फ आलू, आज मैं बना रही हूँ सिर्फ आलू, क्योंकि मेरा जाना नहीं हुआ दुकान की तरफ। अगर मैं जाती आशीष को स्कूल छोड़ने तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ लेके आती। करुणा सो गई है, खाना बन चुका है, आशीष खाना खा रहा है। जल्दी खा लो, मुझे बिस्तर ठीक करना है, ठीक है? जल्दी खाना खा लो, बिस्तर सही करेंगे फिर सोएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय।